आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। मैं सुमन कुमार। हाँ, तो आप किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स मुझे चूज करना चाहिए, बीपीटी चूज करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग चूज करना चाहिए या पैरामेडिकल चूज करना चाहिए या फार्मेसी, तो वही जानेंगे, जानने की कोशिश इस वीडियो में कर रहे हैं कि किस बेसिस पर या किस आधार पर हम चूज करेंगे कि कौन सा कोर्स जो है हमें चूज करना चाहिए। तो पहले वैसे जो है ना, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जो कि आप देख सकते हैं, किस रैंक पे आप कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारे बच्चे की कमेंट आया हुआ था जो एक जो है ना, किस कोर्स को हम पहले रखे उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए कहा गया था। तो इसी रिगार्डिंग मेरा एक वीडियो है। अरे ये भी कहा कौन सा कोर्स बढ़िया होता है, बीबीटी बढ़िया होता है कि बीएससी नर्सिंग बढ़िया होता है कि बीफार्मा बढ़िया होता है। देखो भाई, या पैरामेडिकल, हाँ या पैरामेडिकल का बहुत सारा कोर्स है। शुरू करते हैं बीएससी नर्सिंग से। किस बेसिस पे करेंगे, देखिए किस में जल्दी आपको जॉब लग जाएगा, किस कोर्स करने पे जो है ना आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, किस कोर्स में जो है ना आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, किस कोर्स में आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, सब बेसिस बेसिक बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और पूरा अच्छा से समझ पाइएगा। तो हम शुरू करते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्योंकि सबसे ज्यादा लोग या बच्चे जो इसको चूज करते हैं। हाँ। इसका जो है पहले देखते हैं कि क्यों चूज करना चाहिए, इसका क्या आगे स्कोप होगा। तो ये देखो, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर हम वैकेंसी के आधार पर देखेगा, सरकारी जॉब आपको जल्दी चाहिए और जब ज्यादा पैसा चाहिए तो आप बीएससी नर्सिंग चूज कर सकते हैं। जो स्टाफ नर्स का जो भाली हुआ था कोरोना काल में, जानते हैं सुमन जी कितना उसका पैसा, 65 से 70 हजार इससे स्टार्ट हुआ। आप समझ सकते हैं दूसरे जॉब में कहां इतना मिलेगा। हाँ ठीक है, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और जो है सरकारी जॉब चाहिए जल्दी, ज्यादा पैसा चाहिए तो आप बीएससी नर्सिंग चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, और बात करें हम बीपीटी के बारे में, बहुत सारे बच्चे बताए हुए थे। तो देखो भाई, बीपीटी ठीक है लेकिन उसमें बहुत ही कम वैकेंसी आता है। इसमें देखिए 507 ही वैकेंसी था, जो लिस्ट में देखे होंगे आप लोग, बहुत ही कम वैकेंसी था। तो जिसके वजह से अगर आपको सरकारी जॉब तो आप छोड़ ही दीजिए, सरकारी जॉब नहीं मिल पाएगा, होबो करेगा तो बहुत कम। प्राइवेट वाला का ज्यादा मार्क रहता है, सरकारी वाला कम मार्क मिलता है एग्जाम में, तो अगर मार्क बेसिस पे लेगा तो आप लोग छटा ही जाइएगा। तो इससे अच्छा जो है आप बीपीटी करिए, बीपीटी करिएगा तो आपको अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा, ठीक है, अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा। तो कैसे खोलिएगा, पहले आप मैंने बीपीटी करने के बाद फिर किसी हॉस्पिटल में आपको काम करना पड़ेगा, प्राइवेट में। प्राइवेट में जानबे करते हैं 15 से 25 हजार का महीना देगा, बीएससी नर्सिंग वाला आप यही आला है, प्राइवेट में 15 से 25 हजार महीना से स्टार्ट होता है एज ए फ्रेशर, फिर बाद में बढ़ता है एक्सपीरियंस, ठीक है। और कोर्स ड्यूरेशन का भी बात करें तो आपको बीपीटी में करीब 5 साल लग जाएगा पूरा करने में, साढ़े चार साल लग जाएगा। और इसमें बीएससी नर्सिंग आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल में कंप्लीट। ये भी एक फायदा है कि आप जल्दी जो है अगर पैसा कमाना चाह रहे हैं तो जल्दी आप, अगर आप परिवार में आप ही पैसा कमाने वाले हैं, आप बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप बीएससी नर्सिंग चूज। दूसरा है कि देखते हैं कि इसमें बीएससी नर्सिंग में जो कर तो लिए आप, उसका स्कोप क्या क्या है ना, प्राइवेट में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट में क्या स्कोप है, ये आप आगे बात करो। देखिए सुमन जी, बीएससी नर्सिंग का जो स्कोप है ना बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ज्यादा पोस्ट भी आता है। और सेट एग्जाम देकर नर्सिंग ऑफिसर बन जाइएगा एम्स में, जानते हैं कितना वेतन आता है, 72-90 हजार पर मंथ से स्टार्ट होता है, सब एम्स का अलग अलग होता है, इतना रुपया पर महीना कमाइएगा, एक रुतबा रहेगा वो अलग रहेगा, बहुत आपके आपका जो पोस्ट होगा उसमें ऑफिसर लग जाएगा, ऑफिसर लगेगा, फिर गाड़ी सर मिलता है, ठीक है, ये भी आपको जो है रहने के लिए घर मिलेगा, ठीक है। फिर जो है बहुत सारे बच्चे सीएचओ भी बनते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हैं, उसमें ऑफिसर वहाँ आप दवा भी लिख सकते हैं, ये भी है, ये भी आपको एक फायदा है। फिर स्टाफ नर्स बन सकते हैं, जो स्टेट वाला जितना है स्टाफ भी आप जा सकते हैं। मिलिट्री में अगर गर्ल्स है, अगर आपका हाइट बढ़िया है, स्वस्थ है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। एक बार जो है कौन सा पोस्ट पे बहाली होता है वो मिलिट्री में, उसमें भी अफसर का ही नाम से होता है। नहीं नहीं, उसमें जो ग्रेड होता है वो हम थोड़ा बोल रहे हैं, कमेंट पिन ऑफ कर देंगे हम, देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैंने ऑफिसर लेवल का बहाली होगा, ठीक है। और बात करते हैं ना, अरे विदेश की बात करें ना, बहुत ही ब्रॉड स्कोप है, जानते हैं कितना, अगर नॉर्मली अगर दुबई सब की बात करें ना, दो से अढ़ाई लाख पर मंथ, अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम देकर जाना पड़ेगा। एग्जाम अगर नॉर्मली जाइएगा तो कम पैसा मिलेगा, अगर एग्जाम देकर जाते हैं तो पैसा उतना मिलेगा। फिर अगर बात करते हैं यूके अमेरिका में बात करें ना, तो वहाँ 3 से 4 लाख पर महीना आपको मिलेगा,
और बहुत सारे गारंटी है उसमें जो है ना 7 से 8 लाख पर महीना के हिसाब से मिलता है, पर मंथ मिलता है। लेकिन जो जो आपके एक्सपीरियंस बनेगा आप करोड़ों रुपए का साल का पैकेज चल जाएगा उसका, आप ये स्कोप है। अगर आप थोड़ा इसको बात इसके बारे में बता देते हैं बी फार्मा के बारे में, देखो बी फार्मा कोर्स जो है ना उसमें बायोलॉजी वाला भी कर सकता है, मैथ वाला भी कर सकता है, और बी फार्मा कोर्स भी ठीक है, बट इसमें जो आपको थोड़ा पैसा कहीं कम होगा, इसका वैकेंसी भी थोड़ा कम होता है। लेकिन इसमें आपको फार्मा कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, और मार्केट जो है क्या डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR सब बन सकते हैं आप, और बहुत सारा है उसमें भी आप है लेक्चरर बन सकता है उसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। अगर OT की बात करें, OT में तो OT आपके लिए अगर पैरामेडिकल कोर्स लेते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में और OT लेते हैं, BMLT लेते हैं, BMLT लीजिए तो आपको लैब खोल सकते हैं आप, आपको ये लाइसेंस ले सकता है। अगर OT लेते हैं तो OT वाला को जानने करते हैं, अगर सरकारी में उतना स्कोप ना है, सरकारी में उसका वैकेंसी उसका वही हाल है, बहुत लेफ्ट आएगा, बहुत कम आएगा। लेकिन प्राइवेट में जो है अगर आपका हाथ साफ है, अच्छा प्रैक्टिस है तो जो है 10 जगह पकड़, दिन में जो है 10 आप सर्जरी कर लेते हैं, एक मैंने क्लिनिक में नहीं दूसरे क्लिनिक में भी जाकर तो बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो देखिए हम ये नहीं कहते आपको BSc नर्सिंग चूज करना है, अगर आपको जल्दी जॉब लेना है, जल्दी पैसा कमाना है तो BSc नर्सिंग ले लीजिए। आपको जो है अपना क्लिनिक खोलना है, आप लगता है जो हम खोल सकते हैं तो आप BPT कर लीजिए। अगर आपको कंपनी खड़ा करना है, अगर नया कंपनी खड़ा करना है तो बी फार्मा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको जो है एकदम सर्जरी सब करना है, बढ़िया करना है, बढ़िया पैसा कमाना है, पैरामेडिकल सर्जरी में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, सर्जरी में तो OT टेक्निशियन OT कर लीजिए, POT कर लीजिए, नहीं तो जो है लैब खोलना है तो BMLT कर लीजिए। उस प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप रह के अपना कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं तो इतना ही रहने दीजिए। आपको एक चीज और बोलना, आपको ये देखना होगा कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट बेसिस पर भी आप ले सकते हैं, क्या आपका प्रायोरिटी है, इंटरेस्ट प्रायोरिटी है या पैसा कमाना ज्यादा प्रायोरिटी, उस बेसिस पर भी आप चूज कर सकते हैं कौन सा कोर्स। हाँ, और अगर आपको जल्दी पैसा कमाना हो तो ड्यूरेशन के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब इसका आधार हो सकता है ना। हाँ, सब हर एक आदमी का अलग अलग इंटरेस्ट और प्रायोरिटी रहता है, उस बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। हाँ, तो इस बेसिस पे आप जो है अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इसके लिए तो आप कमेंट करिए, हम उस रिलेटेड वीडियो बनाएंगे फिर आगे, ठीक है। ये जो वीडियो बनाए हैं आपके कमेंट बेसिस पे ही बनाए हैं, और ये वीडियो जो है एक वीडियो बनाएंगे कितने रैंक हमको जो है BCC में कॉलेज मिल सकता है, इसी वीडियो में कमेंट में कुछ बच्चे सब कमेंट किए हुए थे तो ये वीडियो बनाए हैं। चलिए अगला वीडियो का आप इंतजार करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।